हाय गाइस, टेक्नो शावे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पबजी गेम में कुछ गन्स के बारे में, जैसे कि M416 स्कारल, M16A4 AKM। गाइस, आपने और पबजी गेम खेला होगा तो आपने इन गन्स का जरूर यूज़ किया होगा। गाइस, आज की वीडियो में आपको इन गन्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। गाइस, आज की वीडियो में आपको इन गन्स का एक्चुअल प्राइस बताने वाला हूँ, इंडिया में इन गन्स का क्या प्राइस है। गाइस, आपको मैं इन गन्स के बारे में डिटेल से बताऊँगा, ये गन्स किस डेट में बनाई गई थी और कहाँ कहाँ पर इन गन्स का यूज़ किया जाता है। पबजी गेम से अलग मतलब रियल लाइफ में इन गन्स को कहां कहां पर भी यूज़ किया जाता है, मैं आपको इन गन्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। शुरू से लेकर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ओके, मैं आपको M416 स्कारल, M16A4 AKM, मैं आपको आज की वीडियो में इन चार गन्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए गाइस, बिना टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कारल गन के बारे में। गाइस, बताया जाता है इस गन को बेल्जियम नाम के देश में सबसे पहले बनाया गया था, और हाँ, इस गन को 2009 में सबसे पहले यूज़ में लिया गया था, और ये गन आपको सिविल पर्सन के पास में देखने को नहीं मिलेगी। इस गन को मिलिट्री और आर्मी भी इस गन को यूज़ में लेती हैं। सबसे पहले इसको US के आर्मी ने स्पेशल ऑपरेशन में यूज़ में लिया था। इस गन को स्पेशल ऑपरेशन में ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, और भीड़ में भी इस गन को ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इस गन का जो रिकॉयल है बहुत ही ज़्यादा कम है अदर गन्स के मुकाबले। इस गन को 2004 में डिज़ाइन किया गया था। और हाँ, अब बात करें इस गन के बुलेट फायर करने की, तो बताया जाता है ये गन एक मिनट में 625 से ज़्यादा बुलेट फायर कर सकती है, और इस गन का जो इंडिया में प्राइस बताया जा रहा है लगभग 3 लाख बताया जा रहा है। अब बात करते हैं M416 गन के बारे में। इस गन का जो रियल नाम बताया जा रहा है HK416 बताया जा रहा है। इसको 2004 में सबसे पहले यूज़ में लिया गया था, वो भी मिलिट्री के द्वारा। इसका जो वेट है 3 kg का है। इसको जर्मनी में सबसे पहले डेवलप किया गया था, और गाइज ये जो गन है एक मिनट में ऑलमोस्ट 900 बुलेट्स फायर कर सकती है। इस गन को मिलिट्री ही यूज़ में लेती है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 4,50,000 बताया जा रहा है। गाइज, ये जो गन है हर व्यक्ति इस गन को नहीं रख सकता, इस गन को जो है मिलिट्री वगैरह ही यूज़ में ले सकती हैं। इस गन का जो रिकॉयल है वो भी बहुत ही कम है अदर गन्स के मुकाबले। फिर आप बात कर लेते हैं M16A4 गन के बारे में। गाइस, बताया जा रहा है इस गन को US में 1964 में सबसे पहले बनाया गया था और यूज़ में लिया गया था। US की जो मिलिट्री है वो इसको युद्ध में इसको भी इस्तेमाल में लेती है। ये गन भी एक मिनट में 900 बुलेट्स को फायर कर सकती है। इसका जो वेट है लगभग 3 kg का है। इसका जो प्राइस है इंडिया में लगभग 4 लाख माना जा रहा है। फिर अब बात करते हैं हम AKM के बारे में। AKM को 1940 में एक आर्मी जनरल ने बनाया था। बताया जाता है वो जो जनरल था वो इंजीनियर भी था। AKM का जो एक्चुअल वेट है 4.9 kg है, लगभग आप 5 किलो का वेट मान सकते हैं AKM का। ये जो गन है बोर में यानी युद्ध में ज़्यादा यूज़ में होती है, और हर देश की आर्मी इस गन को यूज़ में लेती है। अगर हम इस गन की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 3 फीट की है। कज हम बात करें इस गन की बुलेट्स फायर करने की, ये जो गन है एक मिनट में 600 से ज़्यादा बुलेट फायर कर सकती है। अब हम बात करते हैं इस गन के एक्चुअल प्राइस की, वो भी इंडिया में। इसका जो एक्चुअल प्राइस है 1,50,000 समथिंग माना जाता है। इसका जो प्राइस अप डाउन भी हो सकता है। अब बात करें इसको ख़रीदने की तो गाइज हर पर्सन इसको नहीं खरीद सकता, ना ही इसको रख सकता है, क्योंकि इसको रखना इलीगल भी माना जाता है। इस गन को मिलिट्री ही यूज़ में लेती हैं। गाइज, ये थी पबजी गेम की कुछ गन्स जिनको मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। गाइज, मैं आपको पबजी की और गन्स के बारे में अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा। गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।